तो और मेरे भाई लोग कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत ही बड़ा होंगे। तो फिर से आगे न्यू सोलो रैंक पुश लेके, और इंटो में तुमने जो सीन देखा है वो कल दोपहर में मैच खेल रहा था तो मेरा इंटरनेट का इशू हो जाता है और उसकी और इधर तुम्हारा भाई का माइनस लग चुका था 42 का, तो उसको रिकवरी करने के लिए मैं आता हूँ। और इस मैच में एक यूट्यूबर भी आया था, देखना लास्ट में भाई के साथ बातचीत करते गेम की बात करें तो तुम्हारा भाई उतरने के बाद ही एक बंदा पुश करता है S12 के लेके, तो इस भाई के साथ कैसे गलत वाला फाइट जाता है देखो तुम लोग। ये बंदा मेरे ऊपर S12 के लेके पुश तो करता है बट पीठ पीछे दिखा के भागने की कोशिश कर रहा था, तो इस भाई को इजीली इधर फिनिश कर देते। और इस भाई को फिनिश करने के बाद तुरंत और एक भाई मेरे ऊपर पुश कर देता है, तो इस भाई के साथ कैसे फाइट जाता है वो देखो। मैं इधर आता हूँ और बंदे को फंसाने के लिए मैं M24 रिलोड करता हूँ और बंदा पुश कर देता है और भाई को EMP चेंज करके फिनिश कर दिया जाता है। इधर फिनिश करने के बाद पीछे की तरफ आता हूँ तभी मुझे ये बॉट मिलता है। इस बॉट को मारने के बाद मैं इधर आता हूँ तभी मुझे एक बंदे की फुट आ रहा था सामने वाले घर से, तो थोड़ा मैं पीछे आता हूँ क्योंकि ये बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था। तो इस बंदे के साथ कैसे फाइट जाता है वो देखो तुम लोग। ये बंदा मेरे ऊपर मौली करने के चक्कर में खुद ही थोड़ा जल जाता है और इसी का फायदा तुम्हारा भाई उठा लेता है। इधर कैसे देखो, मैं इधर ग्रेनेड मारता हूँ बंदे को देख के और इधर बंदा फिनिश हो जाता है और तुम्हारा भाई का इधर हो जाता है 4 किल। तो मैं जल्दी से जाता हूँ इस बंदे की क्रेट लूटने के लिए और इधर इस बंदे के क्रेट में तुम्हारे भाई को मिल जाता है DPS, समझ ही सकते हो DPS का क्या ही तबाही है। तो मैं जल्दी से पेटी वगैरह लूट के आ रहा था उतने में ये बॉट दिख जाता है मुझे और इस बॉट को मारता हूँ और अच्छा खासा तुम्हारे भाई का 5 किल हो गया था। इधर आता हूँ तभी मुझे ये बंदा स्पॉट होता है, इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ बट बंदा भाग जाता है, मतलब अंदर की तरफ चले जाते। तो देखो इस भाई को कैसे मारते, ये बंदा जाके सीढ़ियों में बैठ जाता है और तुम्हारा भाई मौली करता है और मौली में बंदा जल जाता है भाई। और इधर तुम्हारा भाई का हो चुका था 6 किल। जल्दी से लूट वूट करता हूँ, एक ही बंदा बचा था इवेंट पे, तो इस बंदे को ढूंढने लगता हूँ और ये बंदा मुझे लकीली इस जगह पे मिल जाता है। बट ये बंदा तुम्हारे भाई को थोड़ा घुमाता है, देखो कैसे। इधर आता हूँ, मेरे को बंदा की फुट आ रहा था बंदे की, तो मैं ढूंढने लगता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बंदा इधर होगा, इधर गेट वगैरह खोल के देखता हूँ बट बंदा मिलता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद से ऊपर होगा बंदा। भाई की फुट एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था बट बंदे की फुट एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, मेरे को लगता है कि बंदा ऊपर होगा बट ऊपर भी नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ सीढ़ियों में बैठा होगा बट सीढ़ियों में ढूंढता हूँ इधर भी नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। उसके बाद दिमाग की बत्ती जलाता हूँ और मुझे बंदे की लोकेशन पता चल जाती है, इधर कुप्चे में बैठा है। तो इस भाई को फिनिश करने के बाद हमारा भाई का हो चुका था 7 किल और इवेंट भी पूरा क्लियर हो जाता है। तो लूट वूट करता हूँ जल्दी से और इधर से सीधा निकलता हूँ जोन के लिए, तभी मुझे इधर गाड़ी मिल जा मतलब एक बंदा मिल जाता है, देखो होल्ड करके बैठा था। तो इस भाई के साथ कैसे गलत वाला फाइट जाता है वो देखो तुम लोग। इधर आता हूँ तो बंदे की साउंड मुझे आ चुका था, तो भाई के ऊपर ग्रेनेड ट्राई करने की बारी थी, तो मैं अच्छा खासा साउंड सेंस की यूज़ करके बंदे के ऊपर ग्रेनेड करता हूँ। पहला ग्रेनेड जाता है, बंदा सीढ़ियों में जाके बैठ गया था। दूसरा ग्रेनेड करता हूँ सीढ़ियों में और तीसरा करता हूँ इधर, क्योंकि बंदा भाग के इधर आ सकता है, तो इस वजह से बंदा इधर अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। सीढ़ियों में साउंड आ रहा था, उधर और एक ग्रेनेड कर देता हूँ और तुरंत बंदे के ऊपर पुश करता हूँ। और देखो कैसे भाई की पेटी बनाते हैं, इधर भाई सीढ़ियों में खड़ा था तो इस भाई को ईजिली इधर DBS की एक शॉट पड़ती है और भाई की पेटी बन जाती है। इधर अच्छा खासा तुम्हारा भाई का 8 किल हो चुका था। इधर थोड़ी देर में होल्ड करता हूँ, उतने में एक गाड़ी आती है, तो इस बंदे के साथ कैसे फाइट जाता है वो देखो। थोड़ा लंबा खींच जाता है फाइट, तो इस वजह से मैं स्टार्ट कर देता हूँ भाई को, मैं थोड़ा हल्का सा डैमेज वगैरह कर देता हूँ बट गाड़ी ही डैमेज हो जाती है, तो गाड़ी लेके फिर से भाई भागने की कोशिश कर रहा था। भाई को इधर फिर से मैं अच्छा खासा डैमेज कर दिया है, भाई रुक के उधर ही रुक जाते और रुकने के बाद नीचे से आ जाते पुश करने और भाई के ऊपर मारते इस भाई को। मेरे को पता था बंदा नीचे से आएगा मेरे ऊपर पुश करने के लिए, तो मैं जल्दी से लोकेशन चेंज करता हूँ और इधर आके रुक जाता हूँ। और बंदा आके पत्थर में होल्ड कर रहा था, साउंड आ रहा था मेरे को, पहले तो मैं ग्रेनेड से डराने की कोशिश करता हूँ, भाई हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि एक ग्रेनेड करूँ। कुक करके ग्रेनेड मैंने उधर डाल देता हूँ और भाई अच्छा खासा डैमेज हो जाता है।
वॉल के पास आ जाता है भाई, और आने के बाद हील करने लगता है, तो मैं जल्दी से मॉली कर देता हूँ भाई के ऊपर। और इधर भाई की बन जाती है पेटी, और तुम्हारा भाई का हो चुका था 9 किल। जल्दी से लूट वूट करता हूँ, क्योंकि इधर से जोन शिफ्ट हो गया था। जिस भाई का इस सीज़न कॉन्करर नहीं हुआ, उस भाई अभी मत करो यार, अभी तुम प्लैटिनम से कॉन्करर नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट सीज़न करना। अभी थोड़ा पुश करके रखो, यस मास्टर करके रखो, उसमें क्या सीन होगा, नेक्स्ट सीज़न आपको प्लैटिनम में मिलेगा। तो जल्दी से पुश कर सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी हो जाएगा, प्लैटिनम 3-2 पे मिलेगा। तो एक इस सीज़न मत करो, नेक्स्ट सीज़न में ट्राई करना, अभी नहीं कर पाओगे। तो इधर होल्ड करता हूँ, ये बंदा निकलने की, इधर से निकलने की कोशिश करता है, इस भाई को अच्छा खासा डैमेज करता हूँ। भाई निकल जाता है और जाके पीछे जाके खड़ा हो जाता है, तो मैं बग्गी लेके सीधा निकल जाता हूँ, क्योंकि लास्ट जोन की सीन है, और लास्ट जोन में भाई बग्गी के अलावा दूसरा गाड़ी चलती नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा रोटेशन दे देता हूँ, एक कहीं पे भी मुझे अच्छा खासा पोजीशन नहीं मिल रहा था, मैं चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, हर जगह पे बंदे होते। लास्ट जोन की देखो रोटेशन मैंने स्किप नहीं किया, ठीक है, मैं पूरा प्रॉपर दिखा रहा हूँ। और ऐसे सेंटर में आना थोड़ा रिस्की है, बट तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके सेंटर से निकल ही जाता है, क्योंकि सेंटर में चारों तरफ से स्प्रे वगैरह आएगा आपके ऊपर। तो सेंटर ऐसे सेंटर में गाड़ी मत घुमाओ, तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके सेंटर से निकल जाता है। और जिधर भी जा रहा था उधर ऑलरेडी कोई ना कोई बंदा होल्ड करके बैठा था, मेरे को बंदे मिलती मतलब अच्छी सी पोजीशन वाला जगह मिलती नहीं है। तो तुम्हारा भाई गाड़ी घुमाते घुमाते फिर से जिस जगह पे था उसी वाली जगह पे फिर से चले जाते हैं, क्योंकि उधर ही अभी के लिए कोई नहीं था। ये बंदा मेरे को अच्छा खासा डैमेज कर देता है, बट इधर से तुम्हारा भाई निकल जाता है, और फिर से मैं जिधर था उधर ही चले जाता हूँ, क्योंकि उधर अभी के लिए कोई नहीं होता। तो इधर थोड़ा आउट ऑफ जोन के बाहर घूम रहा था, उतने में ये गाड़ी वाला बंदा आता है, इस भाई को आराम से उतार देते गाड़ी से, और तुम्हारा भाई का हो चुका था 10 किल। नेक्स्ट जोन स्टार्ट हो जाते, तो जोन के साथ साथ जा रहा था मैं, और इधर क्या गलत सीन होता है तुम्हारे भाई के साथ वो देखो तुम लोग। इधर आता हूँ और ये बंदा मेरे ऊपर स्प्रे लेता है, बग्गी का टायर वगैरह फूट जाता है, और इस भाई की गन रिलोड पे आ जाता है, तो तुम्हारा भाई खंजर निकल लेता है, और ये भाई भी खंजर लेके मेरे सामने आमने सामने हो जाता है। और देखो इस भाई को कैसे पेटी बनाता है, ये बंदा चाहता तो तुम्हारा भाई का इधर पेटी बना सकता था, बट ये बंदा क्या सोचता है मेरे को पता नहीं, बट इस भाई को इजीली इधर फिनिश कर देता हूँ। और फिनिश करने के बाद भाई तुम्हारा भाई का हो चुका था 11 किल, ठीक है। और इधर मेरे सामने जो बंदा है वो यूट्यूबर था, और नीचे दो बंदे होते, ये दोनों बंदे आपस में फाइट करके एक दूसरे को मतलब फिनिश कर देते, और एक दूसरा बंदा होता है नीचे की तरफ, और इधर जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में वो यूट्यूबर वाला बंदा होता है। तो मैं इधर होल्ड करने लगता हूँ, और ये बंदा स्कोप लेके जो बंदा गया ये यूट्यूबर वाला बंदा है, मेरे को पता थी इसलिए इस बंदे के ऊपर मैं स्प्रे नहीं लेता। और ये बंदा जाके वो दूसरे बंदे को गाड़ी से कुचल देता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, न्यू बंदे हो तो क्या करो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। और ये देखो सीन, इधर भाई बात कर बोलते थोड़ा बातचीत करते, उसके बाद भाई बोलते हैं कि मैं लीडर बोर्ड पे बैठा हूँ, तो मेरे को चिकन चाहिए थी, तो थोड़ा प्लस वगैरह मिल जाता, तो मैं भाई के साथ थोड़ा बातचीत करने के बाद भाई को चिकन दे देता हूँ। और इधर तुम्हारा भाई सेकंड आता है, बट इधर तुम्हारा भाई को 24 का प्लस मिलता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वगैरह कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।